हमारे सभी आदिवासी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस चैनल मुंडी 75 व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी अभी आया है फ़ोन हमारी जो ब्लॉक की एटीएम है उनका, जो कि जनता दरबार में जिन आदिवासी भाइयों को नहीं दे पाए वीजा क्योंकि रश बहुत हो गया था और जितना लेके गए थे उतना ही था। और उसके बाद लगातार दो तीन दिन हम लोग के जनता दरबार आ गए जिसके कारण दो तीन दिन लेट हो गया। मगर अभी जो लोग हैं हमारे किसान भाई वो खेत तैयार कर चुके थे, इसीलिए अभी मैडम को जब हम लोग ने इन्फॉर्म किया तो उसके बाद उन्होंने अभी घर आके वीजा देने का जो प्रॉमिस किया था जनता दरबार में उसका वो पूरा करने आई हैं। तो चलिए समय ना गवाते हम लोग चलते हैं और मिलते हैं उन मैडम से और साथ के साथ उन किसानों से और देखते हैं उनका इम्प्रेशन कैसा लगता है उनको और वो वीजा मिलने के बाद कैसा महसूस करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाते हुए अपने किसान भाई। और जिन भी हमारे साथी को वीजा चाहिए वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पर भी वो कॉल करके अपनी मांग को बता सकते हैं तो उनको वीजा मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं सलीम मुंडरी जी के घर, जिनको कि यहाँ बंदगांव पंचायत के जनता दरबार में बोला गया था कि उनको बीज मिलेगा, बट उस समय किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं दे पाए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद अभी 3-4 दिन के बाद ही हम लोग दे पा रहे हैं, क्या है कि अभी जनता दरबार रेगुलर हो गया तो उधर इन जो भी हमारे ब्लॉक स्टाफ हैं इनको जाना पड़ा हमारी एटीएम को, तो अभी ये लोग इनसे कांटेक्ट करके यहीं देने आए हैं। तो इनसे कुछ शब्द सुनेंगे तो आप अपने मुझसे बताइए कि क्यों देने आए हैं इनको इतना। ये जनता दरबार था जिस दिन हम लोग नहीं दे पाए थे काफ़ी भीड़ होने की वजह से, तो आज हम लोग इनके घर पे ही आए हैं ताकि ये अच्छे से खेती कर सके। और इन्होंने खेत तैयार किया, आपको इन्होंने फ़ोन किया था ना? हाँ हाँ किया था, इसलिए आज हम लोग बीज देने के लिए आए हैं। ये सरसों का बीज जो आज इनको हम लोग दे रहे हैं, इन्हीं के घर पर हम लोग आए हैं आज। चलिए ठीक है। और ये आधार कार्ड देख लीजिए इनका, उस समय इसका डॉक्यूमेंट जमा हुआ था ना आधार कार्ड, तो मतलब ये अभी जमा करने का जरूरत नहीं है शायद? नहीं, ये जमा करने ठीक है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं जी, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, तो ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग ये भी आपको वहाँ भी ले जाएंगे जहाँ ये खेती कर रहे हैं। तो सलीम मुंडरी जी जो कि मेरे दादू भी हैं, तो आज आपको कैसा लगा आपको यहाँ बीज पहुँचा दिया गया ब्लॉक के स्टाफ की तरफ से? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और आज आपने खेत तैयार भी किया है? हाँ तैयार किया, इसका मतलब कल ही हम लोग इसकी बिजाई कर देंगे? हाँ बिजाई कर रहे हैं कल है। चलिए ठीक है, अभी हम जब तक कि सरसों पूरा तैयार नहीं हो जाता तब तक आपके साथ लगे रहेंगे और ये लोग भी बीच में आके चेक करते रहेंगे, तो उस समय हम लोग ऐसी वीडियो बनाएंगे ताकि आम जनता को पता चलता रहे कि ब्लॉक का स्टाफ कैसे काम करता है और जो कि हमारे आम जनता तक नहीं पहुँच पाता है ना, और कितना फ़ायदेमंद है ये बीज उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देख पाएंगे, है ना। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलके भी। बस इसी तरह ही दोस्तों अगर हमारी आज की युवा पीढ़ी अपने समाज को अपने लोगों को जागरूक करने और उन तक योजनाएं पहुंचाने में अपना पूर्ण रूप से योगदान दें तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर में योजनाएं और ज़रूरतमंद तक वो मूलभूत सुविधाएँ पहुँचेंगी जिसका वो हकदार है। तो इसी के साथ इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का हम लोग यहीं अंत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जोहार।